वेलकम टू टी एन के ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देख बोलो, ए फॉर एप्पल, ए एप्पल। इधर देखो, बी फॉर बॉल, ब ब बॉल। सी फॉर कैट, क क कैट। डी फॉर डॉग, ड ड डॉग। फिंगर रखो। ई फॉर एलिफेंट, इसमें सारी चीजें मिक्स कर दूंगी। ये जो हंग कर्ड है इसमें सारी चीजें मिक्स कर दूंगी। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारी वेजीज जिसकी जो जो चॉइस की हैं वो ले सकता है। और इसको मिक्स कर दूंगी अब अच्छे से। मैं डालूंगी सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसका एक देखो अच्छे से। इसमें गाइस मैंने बिल्कुल भी मेयोनीज नहीं ऐड करी है। हंग कर्ड विद वेजीज और अपने थोड़े से मसाले वो ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारे पेस्ट और ग्रीन चटनी बना के अप्लाई कर दी थी उसके ऊपर, ब्रेड स्लाइसेस पे। इसमें आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हो, कॉर्न्स का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी फ्लेवर रहता है और बच्चे तो कॉर्न्स वैसे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। ये देखो अच्छे से इनकी फिलिंग कर देंगे। ये हेल्दी है और स्टफिंग स्नैक्स है, खा के अच्छे से पेट भी भर जाता है बच्चों का, तो ये जरूर जरूर ट्राई करें। ये देखो गाइस कितने प्यारा कलर आता है, गोल्डन ब्राउन। ये बस ये ऐसे होता है। बस अब ये हाई फ्लेम में है और मैं इसका जो गैस का नॉब है वो बंद कर दूंगी। ये अपने आप इस हॉट पैन में जितना पकेगा पकेगा और बहुत अच्छा इसका कलर आएगा। वैसे तो पक चुका है, बस थोड़ा सा और हीट देने की ज़रूरत है। तो गाइज ये मैं मम्मी को खिला रही हूँ सैंडविच। मम्मी खा के बताएंगे कैसे बना है कैसे नहीं बना। आप देख सकते हैं ये सैंडविच है। मम्मी कैसे बना है, अच्छा बना है या ठीक ठीक? चलो हाँ। नवतेज सिंह कैसा है भाई? एकदम मस्त। अब ये वाले सैंडविच खाएंगे हम, ये हेल्दी हैं, घर के हैं। खाओ कुलतेज, वेरी गुड, ले लो ये। तो गाइस आज जो मैंने आपसे सैंडविच की रेसिपी शेयर करी है, ये तो एक नंबर वन, ये बहुत हेल्दी है। ये रेसिपी आप एज अ ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं और एज अ स्नैक्स भी ले सकते हैं, जो शाम को बच्चों को छोटी मोटी भूख लगी होती है उसमें। और इस ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इसलिए हेल्दी है, एक तो इसमें वेजीज है और सबसे बड़ी बात इसमें मेयोनीज नहीं है। प्लीज अवॉइड मेयोनीज, क्योंकि जो मेयोनीज है ना स्पेशली गर्ल्स को करती, तो वो बॉयज को भी नुकसान है। ठीक है कभी कभी खा लेना चाहिए, पर रेगुलर बेसिस पे जो खाते हैं या ज्यादा इनटेक करते हैं मेयोनीज के लिए, मेयोनीज का, वो अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसलिए मैंने मेयोनीज की जगह हंग कर्ड यूज किया है। कई लोग मलाई भी यूज कर सकते हैं,
जो घर की निकली हुई मलाई होती है वो भी बहुत टेस्टी अच्छा फ्लेवर देती है अंदर, और हेल्दी भी होती है, और इसी बहाने बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ हेल्दी चले जाता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेयोनीज जो है इसलिए हेल्दी नहीं है, जो यंगस्टर गर्ल्स हैं या यंग जनरेशन मेरे जैसी या और भी बच्चे लेडीज हैं उनको PCOD और इररेगुलर साइकिल रहता है और उसमें मेयोनीज एक बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर हम ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को मेंटेन करेंगे अपनी लाइफ में, ईटिंग हैबिट्स में, तो हम लोगों को बहुत हेल्प मिलती है, है ना। तो मतलब मन तो करता ही है, बट ठीक है कभी कभी खा भी लो और कभी कभी घर में ऐसे बना लो अपना घर वाला सैंडविच हेल्दी वे में। बाकी ठीक है, बाहर जब आते हैं तो हर चीज़ में मेयोनीज, मोमोज के साथ मेयोनीज और ये मेयोनीज डिप वो, बट हंकर्ड के साथ ये करें। मैं को उम्मीद है कि आपको ये बहुत हेल्दी और टेस्टी लगेगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर में सब मेंबर्स को बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी ये खाया है और मेरे बच्चों ने भी खाया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा, और ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।